ये जो हमारी वर्तमान सरकार है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 4 साल पूरा हो गया है, इसमें मैं अगर एज ए डॉक्टर उनके कार्यों का हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है इसके विश्लेषण करूं तो मैं यह पाता हूं कि अगर पुरानी सरकारों के मुकाबले हमेशा चीजें कंपेरेटिव देखी जाती हैं तो काफी कार्य हुआ। जो मूलभूत हमारे देश की समस्या है वह है कि हमारे यहां चिकित्सकों की कमी। जब चिकित्सक रहेंगे तो वह स्वयं काम खोजेंगे, वह स्वयं फील्ड में जाएंगे, वह स्वयं गांव में जाएंगे। और योगी जी ने जो ये योजना बनाई थी कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, और जब प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा चिकित्सक हमारे नए ज्यादा पैदा होंगे, ज्यादा चिकित्सक मार्केट में आएंगे, बाजार में आएंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो आज की जो ये पॉलिसी है भले जनता को ना दिख रहा हो लेकिन आने वाले अगले 10 साल में आप देखिएगा कि इसका प्रभाव दिखाई देगा। यह दूरगामी सोच है, तात्कालिक सोच नहीं है। तात्कालिक सोच तो होता है मैं बड़े बड़े अस्पताल खोलूं। तात्कालिक तौर पर ही योगी सरकार ने काम किया है, रायबरेली में एम्स आया, हमारे गोरखपुर शहर में एम्स आया, यह भी योगी सरकार के ही समय में आया है। और एम्स एक वर्ल्ड फेम का रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है। मेरे शहर में गोरखपुर में मुझे पता भी है, वहां पे अच्छी खासी ओपीडी हो रही है, अच्छे चिकित्सक आ रहे हैं, जनता संतुष्ट हो रही है। दूर दूर से नेपाल से बिहार से मरीज वहां आ रहे हैं, एक चीज ये देखा गया। तो एक दूरगामी सोच है और एक तत्कालिक सोच है, दोनों स्तर पर काम हुआ है। तीसरा अगर हम देखते हैं कि अब आधुनिक चिकित्सा एक हमेशा निरंतर एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। आप देखिए पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई, पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होना एक बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए। बहुत से स्टेट है जहां रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है, मेरे जानकारी में दिल्ली और साउथ के कुछ स्टेट में होती है, अदरवाइज रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है। स्टेम सेल आने वाला जमाना 20-25 साल बाद हो सकता है गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज स्टेम सेल के द्वारा हो। चिकित्सा एक परिवर्तनशील चीज है, उसके बारे में एक आधुनिक सोच रखते हुए स्टेम सेल विभाग की स्थापना संजय गांधी पीजीआई में हो गई है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच का परिणाम है। और मैं जो सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं इस सरकार की, इस बात पे करता हूं कि आप तत्कालिक रूप से आपने हम जनता को एम्स दिया, पीएससी सीएससी तो आप भूल जाइए, तमाम पीएससी सीएससी मुझे लगता है हजारों पीएससी सीएससी नहीं खुली होगी, उस पर कार्य हो रहा है, वहां खुल भी चुकी हैं। दूसरा एक बहुत, मैं चूंकि यहां गोरखपुर आईएमए का सचिव भी हूं और एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेला हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रविवार को लग रहा है, जिसमें हम प्राइवेट चिकित्सक भी वहां पे जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हमारे पास अक्सर सीएमओ साहब से फोन आता है और हमारे चिकित्सक बड़े खुशी खुशी जाते हैं। कुछ करना नहीं है, हर चिकित्सक का अपना गांव है, अपने गांव की तरफ जाता है, वहां की पीएससी में 2 घंटे रुक के अपने एरिया के मरीजों को देखता है, वह निःशुल्क देखता है, उसे भी संतुष्टि का एहसास होता है और मरीजों को भी लाभ होता है। और यह एक छोटी सी चीज थी जिसमें ना कुछ खर्च होना है, केवल एक यह मोटिवेशन की बात होती है। हमारे सीएमओ साहब को कहते हैं साहब फलाने गांव तरफ के डॉक्टर साहब को आप फोन कर लीजिए, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते जो डॉक्टर उधर गांव तरफ जाता है मरीज देखते हुए जाता है, उसको कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आता इसके ऊपर। इस तरह की जो सोच है जो कि सुलभ है और इसके तरीके से मुझे लगता है कि हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं इस जनपद में। इस तरीके की जो सोच है ना, यह सोच ही हमको आगे तरफ ले जा रही है। और चिकित्सा में जो प्रगति हुई है पिछली किसी भी सरकार के मुकाबले काफी बेहतर हुई है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।